Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, this is me, Mukaddas Fiasha, your course instructor. I hope so all of you fine by the grace of Allah. Last lecture mein humne full adder and half adder ko discuss kiya tha. Aaj ka hamara topic hai parallel binary adder. Is section mein hum iski implementation dekhenge, iski example dekhenge aur iski application. Lecture start karne se pehle thoda sa introduction kar lete hain ki hamare paas addition ka process kis tarike se hota hai. सबसे पहले क्या होता है कि 1 और 1 को अगर आप प्लस करते हैं तो ये 10 के इक्वल होता है. बाइनरी बिट्स को अगर आप ऐड करें तो आप 0 इधर लगा देते हैं और 1 आपका कैरी चला जाता है, जहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कैरी बिट फ्रॉम राइट कॉलम. जब कैरी आपका राइट कॉलम में जाता है फिर वो दूसरी वाली वैल्यूज के साथ भी सम करता है, तो 1 और 1 फिर आपका 10 हुआ, तो देन फिर क्या होगा, 1 1 10 है तो वो आपका 1010 आपका बन गया. तो यही चीज उन्होंने डिफाइन की है कि द टू बाइनरी एडर नंबर्स अ फुल एडर, यानी दो बाइनरी नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो फुल एडर. अब ये याद रखिएगा कि एफ ए स्टैंड फॉर होता है फुल एडर, इज रिक्वायर्ड फॉर ईच बिट इन द नंबर. सो फॉर टू बिट नंबर टू एडर आर नीडेड. अगर दो बिट नंबर होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमें दो एडर की जरूरत होगी, ठीक है, दो बाइनरी एडर की. अगर हमारे पास तीन बिट्स होगा तो हमें तीन बाइनरी एडर की जरूरत होगी. इसी तरीके से फोर बिट्स होंगी तो फोर हमें चाहिए होंगे एडर्स. तो इस तरीके से आप बनाते हैं. फॉर एग्जांपल देखें, हमें हमारे पास टू बिट्स है. टू बिट्स कौन सी बिट्स हैं, यही वाली देखें, एक 11 है और एक 01 है. तो 11 और 01, तो इसी तरह हमारे पास A1 B1 हम इधर लिखेंगे, A2 B2 लिखेंगे और इसको हम सम कर देंगे. क्लास एक चीज आप अपने माइंड में रखिएगा, आप क्वेश्चन के माइंड में आता है इधर कौन सी बिट लिखेंगे, इधर कौन सी बिट लिखेंगे. आपके पास ऊपर जो उन्होंने दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल वो है 11 0 एंड 1, ठीक है, ये आपको उन्होंने दिया हुआ है. आप देखिए ये जो दो चीजें हैं ना, फॉर एग्जांपल ये 1 और ये 1, ठीक है, और ये आपकी जो एक कॉलम है ना, ये 1 वाला कॉलम है. यानी इसका मतलब है ये क्या होगा, ये A1 होगा, ठीक है, इसी तरीके से आपने लिखना है. और ये नीचे वाला जो होगा ये क्या होगा, ये आपका होगा B1, ठीक है. आपका जो ये वाला होगा ये आपका होगा A2, और फिर ये वाला जो होगा ये किसके इक्वल होगा, B2 के इक्वल, ठीक है. ये चीज आप माइंड में रखिए, कॉलम वाइज आप सोच रहे हैं इसको माइंड में रखें, जैसे इन्होंने यहाँ पर भी बनाया. फिर आप ऐड करते हैं तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका जो ये वाली बिट्स होगी ये किसके इक्वल हो जाएगी, σ1 के इक्वल, और जो दूसरी होगी वो σ2 के इक्वल, और अगर तो कैरी आता है तो वो σ3 भी आपका बन जाएगा. एफ ए फुल एडर को कहते हैं, ए भी आपकी बिट्स है, सी इन आपका कैरी इनपुट है, जो मतलब अगर यहाँ से आपके पास कैरी बचता है तो वो यहाँ पर कैरी चला जाएगा. सिग्मा 2 और ये आपको पता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का. फॉर एग्जांपल आपके पास ये चीज ये लिखा हुआ है 101, तो ये क्या होगी, ये लीस्ट और ये क्या होगी, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ये ब्लॉक डायग्राम थी आपकी पैरेलल बाइनरी एडर की यूजिंग टू फुल एडर्स. चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. क्लास ये आपके पास एक है, डिटरमाइन द सम. अब उन्होंने कहा इसका सम बताएं, ठीक है, ये उन्होंने आंसर खुद से लिखा हुआ है ये वाला. आपने ये नहीं लिखा, आपके पास सिर्फ ये वाली बिट्स आपको मौजूद है. शो द इंटरमीडिएट कैरी व्हेन द बाइनरी 101 एंड 011. सबसे पहले तो आप देखें आप इस हम इसको लिखेंगे किस तरीके से. देखिए क्या है 101 एंड 011, तो आप ऐसे लिखेंगे ना 101 और फिर 011 एंड 1. तो आपका जो ये फर्स्ट वाला है ये क्या होगा आपका, ये आपका है ना A1, ठीक है, और ये क्या है आपका B1. इसी तरह ये आपका A2 और दिस वन इज B2. इसी तरह ये आपका A3 और ये आपका B3, ठीक है. तो अब ये वाले जो कॉलम मैंने आपको बताया था, पहला कॉलम A1 और B1, तो इसका मतलब है यहां पर आप दोनों की जगह पर 11, फिर आपका A2 और B2, तो 01, तो आप देख लें आपने क्या किया 0 और 1 आपने लिख दिया, ठीक है. इस तरीके से आपने क्या किया, अगला वाला आपके पास है A3 और B3, तो आपने वही 1 एंड 0 मेंशन कर दिया. तो इस तरीके से आपने किया और फिर आप सम फाइंड करेंगे, ठीक है. सम किस तरीके से आप निकालेंगे, देखें पहले 1 और 1 को आप प्लस करें तो क्या आंसर आता है, 10 आता है. तो 10 सिग्मा में आपने यहाँ पे 0 लगा दिया, 1 आपका किधर चला गया, कैरी इनपुट की तरफ, ठीक है. एक चीज मिस्टेक हो गई, यहाँ पर A है यहाँ पर B है, तो ये A की वैल्यू नहीं है, ये A की वैल्यू, ये A2 है और ये आपका B2 है, ठीक है. ये चीज देख लीजिएगा,
मतलब इसका क्या है, मैं था दोबारा, अब इन्होंने ए इधर लिखा हुआ है, बी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या बिट्स थी, 1 0 एंड 1 0 1 एंड 1। अगर तो ए भी उन्होंने मेंशन ना किया होता तो हम अपनी मर्जी से इधर ए वाली बिट लिखते, बट उन्होंने मेंशन किया है तो इसका मतलब है ये ए वन वाली है ना, तो ए वन वाली आपकी इधर आएगी, ये ए वन है और फिर ये आपका बी वन है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये वाला आपके पास क्या है, ए टू, तो ए टू में यहाँ पे 0 आ गया और बी टू में यहाँ पर 1 आ गया। फिर ये वाली ए की बिट होती है, तो ए की बिट आपने इधर लगाई और दूसरी वाली बिट आपने इधर लगा ली। नाउ इट इज क्लियर। एनी हाउ फिर हमने क्या किया, 1 1 10 वो 0 आ गया, 1 आपका कैरी चला गया, तो वो आपने इधर से इधर आप कैरी, अब कैरी जब चला गया तो कैरी में अब ये तीनों बिट्स ऐड होंगी, 0 1 प्लस 1, क्योंकि कैरी भी इंक्लूड होगा, तो 1 1 फिर 10 होगा, फिर 0 लगा और आपका जो ये 1 है ये आपका एज अ इनपुट नेक्स्ट चला गया। फिर उसके बाद ये 1 जब आपका गया तो फिर ये 1 और 1 10 0 और फिर सिग्मा 4, क्योंकि कैरी बिट हमारे पास बच गई थी तो वो फिर हमारा सिग्मा 4 बन जाएगा। इस तरह हमारी आउटपुट बनी 1 0 0, ये हमारी आउटपुट बन गई। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके सॉल्यूशन में देख लो, उन्होंने यही लिखा हुआ है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ टू नंबर्स आर एडेड इन द राइट मोस्ट साइड पर आपका ऐड हो गया, द सम ऑफ बिट एंड इंटरमीडिएट कैरी आर इंडिकेटेड इन ब्लू, ये ब्लू कलर में जो थे जो हमने किए ये इसके सम है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 बिट पैरेलल एडर। अगर आपको याद हो तो 8 बिट्स को हम कहते हैं 1 बाइट और 4 बिट्स अगर हमारे पास हो तो उसको हम निबल कहते हैं। अब बेसिक 4 बिट पैरेलल एडर इज इंप्लीमेंट विद द 4 एडर स्टेज एज शोन इन फिगर में दिखाया। 4 बिट्स हैं तो आपने फुल एडर्स, आपके 4 एडर्स आपने बना लिए। लेकिन कैसे बनाए, FA1 यानी फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3, फुल एडर 4, लीस्ट एंड दिस वन इज मोस्ट। ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, उन्होंने खुद से मेंशन कर दिया। फिर A और B लिखा, C सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 और अगर तो आपके पास बचता है तो C4 की जगह यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 5, ठीक है, ये आपके पास है। और अगर आपने इसकी लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सिंबल वाली डायग्राम करनी है तो किसी इस तरह की डायग्राम होगी कि सारी बिट्स आपकी इधर 1 2 3 4 एंड आपकी ये वाली बी वाली कैरी इनपुट आपके पास आएगा और सिग्मा आपके 1 2 3 4 और फिर ये कैरी इनपुट। इम्प्लीमेंटेशन क्लास इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल इसका देखिए, ट्रुथ टेबल में आपको पता है 3 बिट्स हैं, यानी आपके पास 2 तो ए भी है और एक कैरी है, तो 4 0 और 4 1 आपके पास आएंगे, फिर 2 0 एंड 2 1, फिर 1 0 एंड 1, फिर 1 0 एंड 1, फिर 1 0 एंड 1, फिर उसके बाद अब इन सबको जमा किया, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आया, यानी इन तीनों को अगर आप प्लस करें तो आपके पास 0 और कैरी भी आपके पास 0 ही आया। अब यहाँ पर 1 आएगा जस्ट और कैरी आपका 0, नीचे वाले में फिर 1 और फिर कैरी आपका 0, यहाँ पे 1 1 आपके पास 10 है तो 0 और फिर कैरी में आपका 1 चला गया, फिर ये 1 और 0, फिर ये 1 1 10, ये पीछे वाला ही हमारा ट्रुथ टेबल है जिस तरीके से हमने पीछे वाला ड्रा किया था फुल एडर में। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है क्लास, ए की और बी की वैल्यू दी हुई है और उन्होंने कहा है इनिशियली आप सी इन यानी सी इनपुट की वैल्यू 0 अज्यूम करें और आंसर निकाल के बताएं हमें सिग्मा का, तो ये किस तरीके से बताते हैं। उससे पहले बिट्स देख लेती हूँ, उसके बाद मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ जाती हूँ। हमारे पास बिट्स हैं 1 1 0 0, ठीक है, और हमारे पास जो दूसरी बिट्स आपके पास आई हैं वो हमारे पास किसके इक्वल हैं, 1 1 0 0, ठीक है, क्योंकि दोनों बिट्स हमारे पास 1 1 0 0 के इक्वल आई हैं। अब हमने करना क्या है कि इन बिट्स को, इन बिट्स से हमने ड्रा करना है कि आपने मतलब सिग्मा फाइंड करना है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आपके पास जो बेसिकली आते हैं वो क्या है, ठीक है, ये आपने ड्रा करना है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, इसको ड्रा करती हूँ। वन वन जीरो जीरो है दोनों हमारे पास, यानी हमारे पास इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ था A1 A2 A3 एंड A4, आपके पास है 1 1 0 0, इसी तरह आपके पास B1 B2 B3 एंड B4 आपके पास था 1 1 0 0, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको समझें कि आपने सिग्मा निकालना कैसे है, अगर आपको याद हो साइड पर आप इस तरीके से बना लेंगे ना तो आपको ज्यादा आसान होगी, 1 1 0 0 और फिर 1 1 0 0,
ठीक हो गया। अब क्या होगा, देखेंगे ए वन बी वन है, ए टू बी टू और ए थ्री। अब आप यहाँ पे साइड पे क्या लिखेंगे कि अगर ए वन की वैल्यू जीरो हो, ठीक है, और आपके पास बी वन की वैल्यू भी जीरो हो, यानी ये दोनों जीरो हो, तो सिग्मा किसके इक्वल आता है आपके पास, और सी इन, एक उन्होंने सी इन दे दिया इनिशियली, जो सी इन की बिट है ना, उन्होंने कहा है वो जीरो के इक्वल नहीं, यानी यहाँ पर अब सी इन जो है आपका, सी इन जो आपके पास आया है वो उन्होंने कहा है वो जीरो के इक्वल इनिशियली आपने ना, तीनों जीरोज हैं, सम में किसकी वैल्यू आएगी जीरो, और कैरी बिट आपकी फिर जीरो ही रही, ठीक है, क्योंकि कैरी आपका आया ही नहीं। आगे फिर दोनों बिट्स आपकी जीरो हैं, यानी ए टू भी जीरो और बी टू भी जीरो और सी इन भी आपके पास जीरो है, तो सिग्मा आपके पास जीरो आया, कैरी भी आपके पास जीरो ही रही। फिर अगली आपके पास दोनों बिट्स जो हैं, ए थ्री वन है, बी थ्री आपके पास वन है, तो सिग्मा किसके इक्वल आएगा। अब वन वन जीरो नहीं लिखना, बिकॉज आपके पास यहाँ से आप देखें जीरो है, पहले ये वाली बिट को भी इंक्लूड करना है, पहले आपने देखा कि जीरो प्लस वन प्लस वन, तो फिर आप लिखेंगे यस 10 के इक्वल होता है तो जीरो। अब जो कैरी इनपुट है उसमें आपके पास क्या वैल्यू बन गई, वन बच गई, ठीक है, और आपके पास जो आगे फोर है वो भी वन के इक्वल है, और बी फोर जो है वो भी वन के इक्वल। अब तीनों वन को प्लस करेंगे तो 11 आंसर आता है, इसका मतलब है सिग्मा में यहाँ पर वन आएगा, तो दूसरा जो मतलब कैरी इनपुट जिसको हम दोबारा से सिग्मा, यानी सिग्मा वन टू थ्री फोर, और ये हमारे पास सिग्मा फाइव बन जाएगा, कैरी इनपुट वाली वैल्यू इसमें चली जाएगी, इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आया, जीरो 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 वन एंड वन, ये हमारे पास आंसर आ गया। बुक की तरफ जाते हैं और देखते हैं, हम अपना आंसर टैली कर लेते हैं। जी ये हमारे पास था, देखें इन्होंने इसी तरीके से सॉल्व किया, यही हमारा आंसर आया जीरो जीरो एंड वन वन, ठीक है। पहले देखें कैरी इनपुट जीरो था तो तीनों वैल्यू जीरो रखी, ये सिग्मा जीरो एंड सी वन आपका जीरो, फिर जीरो जीरो, फिर ये तीनों जीरो, फिर सी टू आपके पास कैरी जो थी वो जीरो के इक्वल आ गई। अब वन वन जीरो वन कैरी चला गया, आप ट्रिपल वन है तो दोनों की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, वन। तो इस तरीके से उन्होंने आउटपुट आपकी जनरेट कर दी। ये इम्प्लीमेंटेशन है फंक्शन के डिवाइस के जरिए, अब हमारे पास डिवाइस मौजूद नहीं है जो मैं आपको ये प्रोग्राम में लॉजिक करके दिखाती हूँ। एनी हाउ आगे नेक्स्ट हमारे पास है एडर एक्सप्रेशन, सॉरी एडर एक्सपेंशन। The 4-bit adder can be expanded to handle the addition of 2 bits number by using the 4-bit adder. The carry input of lower order, यानी जो carry input होगा lower order में, to connect to the ground. आप उसको ground से connect कर देंगे. This one is. ये आपका जो ये वाले symbol आपका है, ये ground से connected हुआ हुआ है. Like this. ठीक है, grounded है. अब उन्होंने कहा है सारी bits को आपने इस तरीके से रखना है. यानी आप ये 4 bits, ये bit, इसको इस तरीके से भी आप, ये हमारे पास ए की वैल्यूज हैं, ये हमारे पास बी की वैल्यूज हैं, ये हमारे पास सिग्माज आएंगे, ये इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, या इसको इस तरीके से जो हमने लास्ट टाइम देखा था ऊपर वाले डायग्राम में, आप उसको इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। एनी हाउ एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ये देखेंगे आपके पास एक एग्जाम्पल है, इसी के थ्रू आपको समझाती हूँ, बजाय इसके व्हाइट बोर्ड यूज करूँ। एनी हाउ देखें, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, ये आपके पास बिट्स है ना, ठीक हो गया। अब ये आपको पता है ए वन वाली ये बिट है और बी वन वाली दिस वन, यानी वन एंड जीरो। अब ये आपके पास 8 bits हैं, तो इसका मतलब है आपने फोर बिट एडर हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास दो ब्लॉक हमारे पास बनेंगे, जिसमें आप यहाँ पर ए फोर और बी फोर तक लिखेंगे, फिर ए फाइव से एट तक और बी फाइव से एट तक। अब आपके पास ये है, आपके पास कुछ इस तरीके से वन जीरो वन 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 जीरो जीरो एंड वन दिस वन, नेक्स्ट आपके पास है वन जीरो जीरो वन 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 एंड जीरो, ये है। और आपको पता है ये फर्स्ट वाली पोजीशन है, तो यदि फर्स्ट वाली पोजीशन पर आपका ए वन और बी वन किसके इक्वल आया, अब आप सिंपल ये कर लो, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ तक आपकी 4 bits हैं, तो वन जीरो जीरो वन, तो ये आपने लिख दिया वन जीरो जीरो एंड वन, ये आपने बिट्स लिखी, रिमेनिंग 4 आपकी इधर आ जाएंगी, ये वाले पोर्शन में वो क्या आई, वन वन जीरो वन, तो ये है वन वन जीरो एंड वन, ये आपके पास बिट्स आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, जी ये हमारे पास आ गई, नेक्स्ट आपने कहा क्या किया, ये आपके पास ये वाली जो बिट्स थी, ठीक है, ये वाली बिट्स आपके पास कौन सी थी, ये वाली जो बिट्स थी ये बी की थी, तो बी की यहाँ से जीरो वन वन देख लें, जीरो वन ट्रिपल वन आपके पास आ गया, बाकी हमारे पास वन जीरो जीरो वन, ये आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इनको सम करना है। सम करने का क्या तरीका है, सबसे पहले उन्होंने कैरी इनपुट, उन्होंने कहा इनिशियली आपके पास नो कैरी,
उन्होंने कहा ग्राउंडेड है और नो कैरी, या उन्होंने मेंशन किया हुआ ग्राउंडेड है नो कैरी, इसका मतलब है सीएम की वैल्यू इनिशियली आपके पास जीरो के इक्वल है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब आपने सम करना है। आप सम पहले हम क्या करते हैं, जब कॉलम लिखते हैं तो वन और जीरो को प्लस करते हैं साथ, हम वो देखते हैं। तो इस तरह ही आपने वन एंड जीरो, वन एंड जीरो, और वो कैरी को भी देखा जीरो, वो वन के इक्वल आया। सिग्मा वन आपका यहाँ से ये वाला वन के इक्वल आ गया। नेक्स्ट जीरो एंड आपके पास वन है, जीरो वन, फिर आपका वन, फिर आपके पास जीरो वन, फिर आपका वन आया। नेक्स्ट वन वन टेन हो गया, तो ये जीरो और अगला जो कैरी था वो यहाँ से यहाँ चला गया, यानी ये वाली जो कैरी इनपुट थी वो इधर चली गई। अब यहाँ पे तो आपने जीरो अज्यूम किया था, यहाँ पर अब आपके पास कैरी में जीरो नहीं वन होगा। जब आप इनको प्लस करेंगे दोनों वैल्यूज को, तो आपको इसको भी ऐड करें, यानी वन और वन आपका टेन बनता है, लेकिन ये वन इलेवन बना देता है। तो वन इधर और कैरी में आपका वन ही रहा, फिर जीरो और वन और ये वाला वन प्लस करेंगे टेन आएगा, तो आपने इधर वन लगा, जीरो लगा दिया और वन आपका कैरी चला गया। फिर नेक्स्ट थर्ड वाली जीरो एंड जीरो और फिर ये वाली वन, तो ये वन आप कैरी बिट में कोई कैरी नहीं है, यानी कैरी बिट में आपके पास जीरो आ गया। नेक्स्ट आपके पास वन एंड वन टेन है, तो आपने यहाँ पे जीरो और आपका सिग्मा अगला वाला जो आंसर होगा, जो मैंने कहा था कि कैरी में चला जाता है, उसको हम सिग्मा वाली वैल्यू लेंगे एट, तो आपके पास ये बिट्स होगी नाइन बन जाएगी वो कैरी वाली। तो आपने सिंपल यहाँ पर ये नाइन बिट्स का आंसर आपने लिख लिया। और लिखना किस तरीके से होता है, सिग्मा वन लास्ट से शुरू करना होता है, ठीक है, लीस्ट से आपने मोस्ट की तरफ, बिट की तरफ जाना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप इधर ही इनबॉक्स में या फिर आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, जो आपको समझ नहीं आ रही होगी। एनी हाउ, अब उसके बाद उसकी एप्लीकेशन है कि ये आपका यूज किधर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कि आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम एडर पढ़ रहे हैं, एडर हम कहेंगे यूज किधर होता है, तो ये हम इसके मल्टीपल वेज होते हैं इसको यूज करने के लिए। इधर जो एग्जाम्पल लिखी है फुल एडर एंड पैरेलल एडर एप्लीकेशन, वो सिंपली यूज किधर होता है, वोटिंग सिस्टम में, जिसमें वो बताते हैं येस और नो, येस एंड द नंबर ऑफ नो वोट्स, या होंगे वोट्स या फिर नहीं होंगे, वहां पर ये यूज होता है। ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन बी यूज्ड वेयर द पीपल ग्रुप ऑफ पीपल आर असेंबल्ड एंड देयर इज अ नीड ऑफ इमीडिएटली डिटरमाइंड ओपिनियन, ठीक हो गया। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, द सिस्टम इंक्लूड्स व्हिच यस आर नो सिलेक्शन होती है उसमें क्वेश्चन ऑफ असेंबली लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, आपके पास ये एक वोटिंग सिस्टम है। अगर आप कैलकुलेटर को देखें ना, जिस तरह आपका 8 बिट से आपका 1 बनता है, तो उसी तरीके से देखें यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे एडर टाइप लगा दिया है, ये यहाँ पर वोटिंग में या तो यस आएगी वैल्यू या फिर आपके पास नो होगी। अब यहाँ पर ये सबसे पहले तो सीन के इनपुट आपके पास जीरो, यस और नो का मतलब क्या है, वन एंड जीरो आपकी बिट है। अब यहाँ से देखें इनपुट आप यस दे रहे हैं और नो दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ये ए एंड बी, ये सी इन, ठीक है, इसको बस इसको समझ ही, इसको मतलब ऐसे ही एज सच इस तरीके से ले लें कि मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो आप ये ड्रा कर सकें। इधर कोई उन्होंने इनपुट नहीं दी हुई कि मतलब वन जीरो है तो आपको पता हो कि आंसर विल बी व्हाट इज नो। आपने सिंपल ये याद रखना, आपने एक एडर बनाया, दो एडर बनाए, ठीक हो गया। ये यस की लॉजिक है, ठीक है, यस की लॉजिक में आपने दो एडर बनाया, इसका मतलब है दो इनपुट ए और बी, सी इन आपने लिखा और सी आउट और सिग्मा लिख दिया। इधर आपने क्या करना है, ये ए और बी आपने ये फोर फोर लिख दी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपने इसी तरीके से आप नो वाली लॉजिक बना लेंगे, ठीक है। और फिर इधर से उन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है कि स्विच किया हुआ है कि स्टेटमेंट यस हो तो यस है, ये यस है, ठीक हो गया। फिर अब ये जो दो है ये देखेंगे, ये भी यस और ये वाली जो सी है ये भी यस, बिकॉज हम यस की लॉजिक बना रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है, ये देखिए ये उन्होंने ना कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, अगर आपको एक मिनट में दिखाऊं, ये देखें एक ये है, एक ये यस नो, एक ये यस नो, यानी इस तरह करके उन्होंने 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाए हुए हैं, 4 वंस हैं और 4 ही जीरो हैं, और उसको इधर उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। यस में सारे आपने यस कनेक्ट करने देखे, अब एक यस और एक नो है, तो आपने यस यहाँ से यस, यहाँ से यस, यहाँ जहाँ से यस है वहां वहां पर आपने 4 बिट्स आपने कनेक्ट कर दी। इसी तरह नो नो वाले सारे बिट्स को इधर कनेक्ट कर देना, इस तरीके से ये ड्रा हुआ है। एनी हाउ सिर्फ ये थियोरेटिकल ही है कि इसमें आपने मतलब वोटिंग सिस्टम, आपने एग्जांपल लिखने के हम वोटिंग सिस्टम में इसको यूज करते हैं, ऐसा इसकी कोई रियल इम्प्लीमेंटेशन इधर नहीं है कि मतलब बिट्स होंगी ये तो उसकी क्या आंसर आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन है, यूजेस है। ये यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है, वाइंड अप होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिपल कैरी एंड लुक एट अहेड कैरी एडर, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि पैरेलल बाइनरी बिट एडर क्या होता है, हम उसका 4 बिट एडर हमने किया, और फिर उसके बाद उसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन देखी कि हमारे पास बिट्स आए तो हम उसको किस तरीके से करते हैं, और एप्लीकेशन हम उसकी एप्लीकेशन यानी यूजेस हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।